हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं ग्रुप के लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग ग्रैंड ऑर्डर की स्किन के बारे में बात करने वाले। तो अगर प्रॉबेबली अब कुछ लोगों को पता होगा, ओके, उन लोगों को जो बेसिकली मेरे क्लेन का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं, ओके, वहाँ पे मैंने आज से तकरीबन एक वीक के पहले डाल दिया है, ओके, एक वीक यस या फिर उससे कम, बट डाल दिया है, एक वीक के आसपास हो गया डाले हुए, तो उनको पता है। तो बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लेन गेम्स की इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हो, बट अभी तक आई नहीं है। जब भी आएगी तब मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, लास्ट टाइम भी कम्युनिटी पोस्ट की थी, इस बार भी मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत मत लीजिए, ओके। अब ऐसी में अब कभी कभार क्या होता है, जो मैं बहुत जल्दबाजी करने जाता हूँ तो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब फिर एंड मोमेंट पे चेंज हो जाती है। तो ना मैं ना अभी ऐसा चाहता हूँ कि भले एक दिन के पहले आपको मिले बट वो कंफर्म मिले, ओके। तो यहाँ पे अब देखो क्लेन गेम्स का तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्लैश ऑफ क्लैन की आ रही है 7th एनिवर्सरी 2nd अगस्त को, ओके, 2nd या 3rd प्रोबेबली। यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो कौन सी है, आपको पता दिख जाएगी, ओके। तो इस डेट को आ रही है। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल लीक हुआ था, जो कि आपको पता ही है, वो गुब्बारे वाला। उस ऑब्स्टिकल में ऐसा है, उस ऑब्स्टिकल को टच करोगे तो उसमें से गुब्बारा बाहर निकलेगा, ओके, वो ऑब्स्टिकल है, वो 7th एनिवर्सरी का है। उसके बाद एक ट्रूप आया है पार्टी विजार्ड करके, ओके, जो कि उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है, गेम प्ले भी दिखाया हुआ है, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब आया है यहाँ पे वार्डन की स्किन। तो यहाँ पे वार्डन की स्किन का नेम भी पार्टी वार्डन ही रखा है, या यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये फोटो, ओके। तो यहाँ पे वार्डन की स्किन का नेम भी पार्टी वार्डन रखा है, दैट मीन्स कि भाई वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 7th एनिवर्सरी की वार्डन की स्किन देके, ओके। पार्टी विजार्ड नया ट्रूप, पार्टी वार्डन नई स्किन, और मे बी और नेक्स्ट सीजन के सीजन रिवॉर्ड भी लीक हो चुके हैं, ओके। तो उसका मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बिल्डर बेस का रून एंड गोल्ड है, ओके, रून है, मतलब कि दोनों रून है बिल्डर बेस के, मेन बेस के भी तीन रून है। इस बार डार्क रून नहीं है, बट इस बार तो है ही, ओके, इस बार डार्क रून नहीं है, बट अब नेक्स्ट टाइम होगा। उसके बाद बाकी सब सेम है, और वार्डन की स्किन है, ओके, वार्डन की स्किन जो आपने अभी देखी। बट यहाँ पे रेडिट पे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई यहाँ पे, एक्चुअली में मुझे पसंद आई है, बट इतनी नहीं, इतना क्योंकि इन्होंने मतलब कि भाई थोड़ा सा जो क्लासिक लगना चाहिए वो नहीं लगता क्लासिक लाइक एक फॉर एग्जांपल कैसे दूँ आपको, या ओके, देखो ये एकदम सिंपल स्किन है, उदय फर्स्ट जो पहली स्किन थी, ओके, एकदम सिंपल स्किन है, देख रहे हो आप लोग, एकदम सिंपल, ओके। फिर उन्होंने क्वीन की स्किन लाई, ओके, ये भी एकदम सिंपल है, ओके, उसके ऊपर क्या कवर कर दिया है, लाइक युद्ध में हम लोग लड़ने जाते हैं तो जो चीज पहन के जाते हैं वैसा उसको उसने पहन लिया है, खत्म, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे कस्टमाइज किया है, थोड़ा ज़्यादा ही कस्टमाइज किया है, इसमें पिक्का का रूप दे दिया है, ओके। तो मतलब कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, ओके, पहली दो स्किन थी ना जो, ओके, तो वो सिंपल थी, उसके बस उसके ऊपर कपड़े पहनना, बस फिर इसमें कस्टमाइज किया, लाइक पिक्का का रूप किंग को दिया। अब जो है, ओके, ये वल्केरी का रूप दे रहे इनको, ओके। तो यहाँ पे अगर ये पहली वार्डन की स्किन है तो उनको ऐसे सिंपल ही रखनी चाहिए मेरे मुताबिक, जैसे किंग एंड क्वीन की रखी थी, किंग एंड क्वीन की सिंपल रखी थी, बस उसके ऊपर उनको एक प्रॉपरली एक कपड़े पहना दिए थे, ओके। बट जब अब दूसरी बार दोनों की स्किन आई, अभी जो क्वीन की स्किन आई और किंग की पिक्का की स्किन आई, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमाइज किया, मतलब कि कोई और चीज उसमें ऐड की, किंग में पिक्का की डिजाइन ऐड की एंड क्वीन में वल्केरी की डिजाइन ऐड की। तो यहाँ पे भी पहली बार ऐसा करना चाहिए। अभी तो यार इतना ही भरचक हो, मतलब कि इतनी चीप लग रही है यार वार्डन की जो नई स्किन है ना, वो मुझे थोड़ी चीप लग रही है। चीप बोले तो यार इतना, मतलब कि उनको एकदम, उसको क्या बोलते हैं, एकदम डीजे बना दिया है, डीजे हो ना ऐसा बना दिया है उसको, और बूट वूट सब पहना है, गजब का मस्त लग रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी क्रैपी लगने लगती है भाई फिर तो। थोड़ा ना इन्होंने ना थोड़ी सिंपल रखी होती ना, थोड़ी सिंपल एंड क्लासिक तो अच्छा लगता, फर्स्ट टाइम है इसीलिए। फिर सेकंड टाइम में जो भी है जैसे इन्होंने किया वैसे कर सकते हैं, लाइक पार्टी विजार्ड की तरह, ओके, पार्टी विजार्ड की तरह वो लोग बना सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ना प्रॉपरली
सेवंथ एनिवर्सरी की जो पार्टी है उसकी सेलिब्रेशन के लिए बनानी थी ना, इसीलिए ऐसी रखी है। अब देखो भाई मेरे को, मैंने बता दिया क्या है दिक्कत, ओके, बहुत सारे लोगों को तो पसंद ही नहीं आई, मतलब कि बस नहीं पसंद आई बस। तो अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने बता दिया कि क्या होना चाहिए और इन्होंने क्या किया। ओके, थोड़ा सिंपल रखना चाहिए था, थोड़ी क्लासिक, पहली बार स्कीन आ रही है इसीलिए, दूसरी बार जो करना है करो, किंग एंड क्वीन में जो किया जो करना है करो, बट फिर भी आप मुझे बताना कैसी आपको कैसी स्किन लगी वार्डन की। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, गुड हैशटैग गुड या हैशटैग बैड करके कमेंट करना। ओके, या फिर और भी कोई राय हो लाइक मेरी तरह कि भाई थोड़ी क्लासिक एंड सिंपल रखनी थी, उसके बाद सेकंड टाइम जो करना था वो कर सकते थे, तो बताना जरूर। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में यार प्लीज़ गाइस, एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, उसके बाद लाइक करना मत भूलना इस पार्टी विजार्ड के लिए, पार्टी वार्डन के लिए। ओके, और सेवन एनिवर्सरी के लिए एक लाइक तो बनती है टकाटक, और पहली बार इतनी जल्दी लीक्स आई है ओके स्किन की, तो लाइक तो बनती है। चैनल पर पहली बार आ रहा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसलिए मुस्कुरा तो खिलते रहिए, द क्लैश ऑफ क्लैंस।